गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है पीछे मेरा हॉस्टल या होटल, जो भी कुछ कह सकते हैं, एक्चुअली होटल ही है। इसके 6th फ्लोर पे इन्होंने कुछ डॉर्मिटरी बेड्स लगा रखे हैं, तो हॉस्टल बना रखा है उसको। तो ठीक है गाइस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने आज प्लान किया है, आज पूरा दिन जो है मैं मांडले घूमूंगा और जो भी आसपास में अट्रैक्शन से उसको एक्सप्लोर करूंगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ग्रैब की जो बाइक टैक्सी होती है उसको बुक किया है, तो अभी आ रहा है, बस 2-4 मिनट में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो जा रहा हूँ मैं, वह सांडा मुनि टेम्पल या फिर सांडा मुनि पगोड़ा कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। और वहाँ पे और एक कुथादो पगोड़ा भी है आसपास में, तो ये दोनों पगोड़ा कवर करने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा यूबेन ब्रिज, जो कि काफ़ी फेमस है, कुछ 150 साल पुराना ब्रिज है, तो वहाँ पर जाऊँगा। तो आज पूरे दिन के लिए मैंने बस यही 3 रखे हैं अभी डेस्टिनेशन। बाकी अगर अभी जैसे सांडा मुनि पगोड़ा के पास और भी 2-3 जगहें हैं, अगर वहाँ पर टाइम मिल जाता है तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी कुछ है आपको दिखा दूंगा। तो उसके बाद फिर प्लान करेंगे कल का। तो ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने टैक्सी का, बाइक टैक्सी का, और उसके बाद जैसे आते हैं फिर यहाँ से हम निकल पड़ेंगे सांडा मुनि पगोड़ा की तरफ। तो ये अपनी ग्रैब है, बाइक टैक्सी। तो ठीक है, अभी आपके पहुँच गए, अभी यहाँ से जा रहे हैं हम सांडा मुनि पगोड़ा की तरफ। ओके, तो रेडी है हेलमेट के साथ। तो ठीक है, यहाँ पर भी ग्रैब काम करता है, मांडले में और यांगोन में भी काम कर रहा था, बाकी बगान का पता नहीं, शायद बगान में काम नहीं करता होगा क्योंकि एक छोटा सा टाउन है तो वहाँ पे नहीं होगा। बट ठीक है, यहाँ पे मांडले में आप यूज़ कर सकते हैं बाइक टैक्सी का और ग्रैब का। तो ठीक है, अभी मिलते हैं सीधे सांडा मुनि पगोड़ा पे। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अब मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है कुथादो पगोड़ा, और यहाँ से एंट्री करके मुझे जाना पड़ेगा इस साइड से टूवर्ड सांडा मुनि पगोड़ा। तो पहले ये वाला पगोड़ा देख लेते हैं, जो ये है कुथादो पगोड़ा। तो ठीक है, अभी नेम पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा ही है। अब जो है मैं नाम तो नीचे लिख के दूंगा। तो ये कुथादो पगोड़ा जो भी है, तो चलते हैं अभी इसके अंदर और यहाँ पे एंट्रेंस फीस वगैरह क्या है सारा कुछ वो पता करते हैं, और उसके बाद फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट आगे। तो ठीक है, गाइज ये था कुथादो पगोड़ा और इसका एंट्री फी ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि मुझे तो किसी ने मांगा नहीं, तो मैं तो अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया यहाँ पे।
तो ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल पगोड़ा है और थोड़ा छोटा सा है बट ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और अंदर आपको काफ़ी सारे जो ये वाले वाइट वाले टेम्पल्स देखेंगे, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, और सबके अंदर जो है एक एक यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, ये दिखाता हूँ आपको पत्थर के ऊपर। ये देखिए ये कुछ स्क्रिप्ट जो है, ये जितने भी पगोड़ा बने हुए हैं छोटे छोटे से यहाँ पे वाइट कलर वाले, तो ये सबके अंदर एक एक ऐसे ही मतलब कि स्टोन के ऊपर कुछ मतलब कि स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। अभी ये बर्मीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो समझ तो कुछ आएगा नहीं मुझे। तो ठीक है, अभी ये था कुथोदो पगोड़ा, और अभी यहाँ से मैं निकलूँगा जो पास में है सांडामुनी पगोड़ा, वहाँ के लिए तो वो देखेंगे। और उसके बाद फिर आसपास में एक यहाँ पे वो है मांडले हिल भी है, वो वहाँ पे जाने के लिए देखते हैं, अगर मांडले हिल जा सकते हैं तो वहाँ पे भी चलेंगे। तो ये है सारा कुछ यहाँ पे कुथोदो पगोड़ा और इसका आसपास का एरिया, काफ़ी ब्यूटीफुल है पगोड़ा, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे एंट्री फी बिल्कुल भी नहीं है, अभी ये है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं है, बट मुझसे नहीं मांगा गया, मेरे हिसाब से फ्री है सर, क्योंकि मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं। तो ठीक है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं बाहर के लिए, और बाहर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम दूसरे वाले पगोड़ा पे जो कि है सांडामुनी पगोड़ा। ओके, तो गाइज एक इन्फॉर्मेशन और मिली है कि यहाँ पे जो वाइट कलर वाला आपको देख रहे हैं छोटे छोटे से टेंपल टाइप का पगोड़ा जो दिख रहे हैं, तो ये हज़ार हैं इस एरिया में, मतलब कि जो पगोड़ा है यहाँ पे इसके बिल्कुल चारों तरफ 1000 हैं, और सब में ये जो पत्थर पे इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक बुक है, और जिसका एक एक चैप्टर जो है इस एक एक पत्थर पे लिखा हुआ है जो कि एक एक टेम्पल के अंदर रखा गया है। तो इसका एक छोटा सा यहाँ पर इन्होंने डमी टाइप का बना रखा है, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है पूरा का पूरा जो है टेम्पल, और इसका एक्चुअली ये मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ से मैंने एंट्री किया था। तो पीछे जो है वो टेम्पल का पगोड़ा है, मेन पगोड़ा है, और इसके साथ ये सारे 1000 इसके वो हैं छोटे छोटे से पगोड़े, और इसके अंदर जो है उन्होंने अपने जो लिट कुछ भी कुछ बुक का मतलब कि होली बुक होगा कुछ, जिसके मतलब कि कुछ चैप्टर्स वगैरह इन्होंने इसके अंदर पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, सारा कुछ अपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जैसे ये है पता नहीं कौन सा नंबर है, तो ये उस नंबर का है, और इसका ये रहा स्क्रिप्ट। तो ऐसे जितने भी हैं सारे यहाँ पे, हज़ार के आसपास हैं, अब पता नहीं टोटल नंबर कितना है, बट इसमें सारा कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो गाइस ओके, ये था यहाँ पे कुथोदो पगोड़ा, और अभी सांडामुनी पगोड़ा जाएंगे जो कि यहाँ से बाहर जाके राइट साइड में है। तो ये देख रहे हैं मेरे पीछे कितने सारे टेंपल्स हैं, सेम उतने भी ज़्यादा इस रो में आगे भी हैं, ये देखिए। तो ऐसे बहुत सारे से हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब हज़ार हैं टोटल यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, तो ये है सारा कुछ यहाँ पे कुथोदो पगोड़ा, और इसके बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता था वो मैंने बता दिया है। बाकी जो भी कुछ एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो मैं आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी ठीक है, फाइनली अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वाले अट्रैक्शन पे। वेल, तो गाइस बाहर आने के बाद ही मुझे जो लोकेशन है, ये जो टेम्पल है, इसके बारे में कुछ पता चला है। ये देखिए, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है ये, और इसका जो है प्रॉपर नाम है दैट इज़ कॉल्ड महालकमराइजन ऑफ कुथोदो इंस्क्रिप्शन श्राइन्स। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मैंने बताया था वो जो टेंपल के अंदर बने हुए थे, ये सारा कुछ उसी का है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अभी यहाँ से बाहर से पता चला मेरे को। जब यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे शूज स्टैंड है, यहाँ पे आपको शूज रखने होते हैं, वो भी फ्री में है, और उसके बाद अंदर भी आपको कोई चार्जेस नहीं लगते एंट्री फीस। तो ठीक है गाइस, यहाँ से अभी निकल रहे हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन के लिए, बैठ के यहाँ पे शूज पहन लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो जैसे आप बाहर आते हैं तो आपको इस वाले डायरेक्शन पे जाना है, मतलब राइट साइड में, और ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो ठीक है, आप यहाँ पे अगर कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, पानी वानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, और जूस वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, मुझे ऐसा कुछ अभी खाने का या पीने का कोई ऐसा मूड है नहीं, तो हम जा रहे हैं अभी
अपना जो कौन सा था सांडामुनी पगोड़ा उस तरफ। तो ये स्ट्रेट ही है रास्ता इधर, ये देखिए ये सामने इसको एंटर करने के लिए रास्ता है और ये कार पार्किंग बाइक पार्किंग यहाँ पे है। तो ठीक है अभी चलते हैं आगे। और सांडामुनी पगोड़ा में भी वही है, एक बड़ा सा पगोड़ा है और काफ़ी सारे वाइट कलर वाले जो वहाँ पे और पगोड़ाज हैं, तो उसके अंदर क्या है वो भी देखते हैं। वहाँ पे भी कोई स्क्रिप्ट वगैरह है या फिर पता नहीं क्या है, जो भी है जाने के बाद पता चलेगा। तो ठीक है मिलते हैं। वेल तो गाइस मैं सांडामुनी पगोड़ा के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे पीछे जो है शू रखने के लिए स्टैंड बना हुआ था, वहाँ पे शूज़ मैंने रख दिए हैं। अभी अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे क्राउड तो काफ़ी कम है आज, जबकि सैटरडे है फिर भी। तो ठीक है क्या पता यहाँ पे सैटरडे वर्किंग डे होता हो। अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसा टिकट काउंटर वगैरह नहीं दिखा मुझे जहाँ पे टिकट ख़रीदना पड़े। क्या जब तक कोई नहीं रोकता कोई नहीं पूछता तब तक हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पे सांडामुनी पगोड़ा। तो अभी मैं पूरा एकदम सेंटर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की एक स्टैचू है, वो ये रहा। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने सारे वाइट वाले पगोड़ाज हैं, ये देखिए। तो ये है सांडामुनी पगोड़ा और इसका कॉम्प्लेक्स। तो ये है वो एरिया जहाँ पे एक ये रहा गोल्डन कलर का पगोड़ा है मेरे पीछे, जो कि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन के चलते इसको इन्होंने कवर कर रखा है, मे बी कलर वगैरह करते होंगे ऐसा कुछ। और बाकी ये रहा मेरे पीछे मेरे आगे मेरे चारों तरफ। तो ये वाले जो पगोड़ेज हैं ये थोड़े से डिफरेंट है, मतलब कि थोड़े से हाइट में लंबे हैं और उसके ऊपर जो एक गोल्ड कलर का आप देख सकते हैं कुछ इन्होंने वो लगाया हुआ है। तो ये है पूरा एरिया। वेल तो गाइस तो ये है सांडामुनी पगोड़ाज और यहाँ पे भी बहुत सारे जो वाइट कलर के आपको देख रहे हैं पगोड़ाज मेरे पीछे और चारों तरफ। इसके अंदर भी इन्होंने जो जो इंस्क्रिप्शन है जो जो गौतम बुद्ध जी ने मतलब कि उनके जो सेइंग्स हैं जो वो कहते थे सारी चीज़ें, तो वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे उसको लिखा हुआ है और वो मार्बल के ऊपर लिखा हुआ है और उसको फिर इन्होंने एक एक करके चैप्टर वाइज इसको हर एक एक जो भी मंदिर बनाया हुआ उन्होंने पगोड़ा बनाया हुआ है उसके अंदर उसको रखा गया स्थापित किया गया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी मेरे सामने दिखा था, अभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि यहाँ पे टीचिंग ऑफ द बुद्धा कंसिस्टिंग ऑफ सूता बिनाया अभिदामा कमेंट्रीज एंड सब कमेंट्रीज इंस्क्राइब इन 1774 मार्बल स्लैब्स डिक्टेड बाय उखन ती थारिम्पित इन एडी 1913। तो ये उस समय का है जो कि 1774 पे जो मार्बल स्लैब्स थे उसके ऊपर लिखा गया था और सारा कुछ बुद्धा जी जो हैं उनके सेइंग्स हैं या कुछ उनकी कमेंट्रीज हैं या फिर कुछ सब कमेंट्रीज वगैरह सारा कुछ, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। तो अभी सारा कुछ यहाँ पे है, तो लोग यहाँ पे आते हैं प्रे करते हैं पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी होली प्लेस माना जाता है यहाँ पे मांडले में इस एरिया में। ओके तो गाइस तो अभी मेरा यहाँ पे सेकंड अट्रैक्शन जो था वो मैंने ख़त्म कर लिया है, अभी यहाँ से निकलेंगे कहीं और। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:45 हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम है। और उबेन ब्रिज जो है यहाँ से कुछ 16-20 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे जाने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है या तो आप मॉर्निंग में जाइए मतलब कि सनराइज़ के लिए या फिर आप इवनिंग में जाइए सनसेट के लिए। तो ठीक है अभी मैं देखता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर घूमेंगे 2-3 घंटा, उसके बाद फिर 4 बजे के आसपास निकलेंगे यहाँ से उबेन ब्रिज के लिए। तो ठीक है गाइस, तो ये देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो एक्चुअल में जो इंस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली गौतम बुद्ध की जो मतलब कि उनकी कमेंट्रीज़ हैं या सब कमेंट्रीज़ हैं, ये सारा कुछ मार्बल के ऊपर लिखा गया था 1774 में। तो उस टाइम का जो ये सारा कुछ था इसको लेके इन्होंने इकट्ठा करके यहाँ पे जो टेम्पल्स छोटे छोटे बनाए गए हैं उसके अंदर इन्होंने इसको रखा गया है इसको। तो ठीक है अभी ये था सारा कुछ यहाँ पर, 2 टेम्पल्स जो मेन पगोड़ाज थे यहाँ पर वो आपको दिखा दिया मैंने, एक था सांडामुनी पगोड़ा और दूसरा था आपका क्या था याद है। तो ठीक है गाइस वैसे ही बोल रहा हूँ। तो ठीक है अभी यहाँ से निकलते हैं कहीं और, उसके बाद जैसे जहाँ भी जो भी कुछ प्लान होगा मैं आपको बताऊँगा। तो सी यू सून गाइस, टेक केयर, बाय।
वेल तो ये जो पगोड़ा था ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब इसकी एंट्री फीस कुछ भी नहीं लगी और मैं फ्री में जाके घूम के आया। तो ठीक है, दोनों पगोड़े जो हैं आप घूम सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, अभी यहाँ से निकलेंगे कहीं और बताता हूँ आपको जहाँ भी निकलूँगा, फिर मिलते हैं वहाँ पर। सी यू सून। ओके, तो गाइस ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये महा अतुल आयन मॉन्यूमेंट। तो ये काफ़ी पुराना मॉन्यूमेंट है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे बाहर से दिख रहा है, और अंदर का पता नहीं मुझे क्योंकि अंदर में जाने वाला हूँ नहीं अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं अभी वहाँ पर नहीं जा रहा। तो ये है महा अतुल आयन मॉन्यूमेंट, तो है ना खूबसूरत, ये देखिए। और ये जो महामुनि पगोड़ा जो था, मतलब सांडा मुनि पगोड़ा था, उसके बिल्कुल पास में ही था, कुछ हाफ किलोमीटर पैदल पैदल आप चल के आ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं चल के आ गया था यहाँ पे। तो ये रहा यहाँ पे एक पगोड़ा है और मेरे बिल्कुल सामने ये, और ये एक बहुत पुराना मॉनेस्ट्री है। तो अभी इसके अंदर जाऊँगा मैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं अभी इसके अंदर जा रहे हैं तो मैं जाने वाला हूँ अभी। तो ये है, तो ठीक है अभी मिलते हैं इस मॉनेस्ट्री के अंदर। ओके, तो गाइस तो सुबह से मैं आपको तीन जगह दिखा चुका हूँ जिसके लिए जाने के लिए अंदर कोई भी एंट्री फीस नहीं था, बट अभी ये जो लकड़ी वाला जो पगोड़ मतलब कि मॉनेस्ट्री था, इसको गोल्डन मॉनेस्ट्री कहते हैं, तो इसके अंदर जाने के लिए आपको एक टिकट ख़रीदना होता है जो कि मतलब हाँ वैसे इसके लिए नहीं है, मतलब 10,000 का एक टिकट होता है एक्चुअल में यहाँ पर मांडले में, और उसमें काफ़ी सारे टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। तो वो सब 5 दिन के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं उसके अंदर, और उसके लिए आपको पे करना होता है 1 टाइम जो कि है 10,000 के हाथ का। तो ठीक है, अभी मैंने 3 जगह घूम लिया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अभी मेरा प्लान जो है यूवेन ब्रिज है इवनिंग में। तो अभी मुझे 10,000 पे करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मैं यहाँ पे कल सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से। तो इसीलिए ये वाला जो मॉनेस्ट्री है मैं आपको बाहर से दिखाऊँगा। तो ये है मॉनेस्ट्री, अब अंदर भी ऐसे ही कुछ होगा लकड़ी का बना हुआ होगा। तो ठीक है, मैंने आपको फ्री में दिखा दिया और मैंने भी फ्री में देख ही लिया है, तो अभी 500 रुपये यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है। तो बाकी कुछ हैं अलग अलग पैलेस वगैरह, जैसे हाँ यहाँ पे एक मांडले पैलेस है, तो वहाँ पे अगर आपको अंदर जाना है तो उसके लिए फिर आपको ये जो 10,000 वाला एंट्री फी है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है, वहाँ पर मेरा भी जाने का कोई ऐसा मन है नहीं क्योंकि वहाँ पर कुछ खास है नहीं, बस एक बड़ा सा किला बना हुआ है, मतलब कि चारों तरफ बाउंड्रीज हैं, अंदर एक छोटा सा वो है पैलेस है, उसमें जाने का है नहीं तो मैं यहाँ पे टिकट परचेस नहीं कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:10 हो रहे हैं, तो अभी यहाँ से हम जाएंगे लंच करने के लिए। लंच करने के बाद फिर जाएंगे हॉस्टल में, हॉस्टल जाने के बाद फिर वहाँ से थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और उसके बाद 4 बजते ही फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम यूवेन ब्रिज की तरफ। तो ठीक है, आज का पूरा प्लान यही था। तो ये यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है मांडले का, ये देखिए स्टेट परियति शासन यूनिवर्सिटी मांडले, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है। तो ठीक है, अभी मैं बुक करता हूँ अपना कैब तो नहीं, मतलब वो ये बाइक टैक्सी बुक करता हूँ और उसके बाद चलेंगे यहाँ से हॉस्टल के लिए। तो ठीक है गाइस, सी यू सून, बाय। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये है मांडले पैलेस, मांडले पैलेस, जाने के लिए 10,000 का जो है एंट्री फी लगता है, 10,000 यानी कि 500 रुपये का ही है।